हे गाइस, माय क्रिएशन के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज अपने पास है कुछ वायर्ड ईयरफोन, तो देखते हैं इनकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इनका साउंड चेक करके देखेंगे कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। और दोस्तों, ये जितने भी वायर्ड ईयरफोन है ये अंडर 500 रुपए में है, तो इनकी कीमत ज्यादा नहीं है, एक स्टार्टिंग प्राइस के ईयरफोन है। और वायर्ड ईयरफोन के साथ में एक ही समस्या है कि इनके वायर होने की वजह से इनकी लाइफ लॉन्ग नहीं होती है। और दोस्तों, वैसे भी जब से गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तब से अपनी परछाई से भी डर लगने लग गया है, क्योंकि कौन कब पहन ले जाए कोई भरोसा नहीं। तो बिना देर के छेड़े हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पांचवे नंबर पर आते हैं मीवी के रॉक एंड रोल वायर्ड ईयरफोन। और इनकी प्राइस की बात करें तो इनकी प्राइस 400 रुपए है और सेल में ये 380 या 350 के आसपास में मिल जाते हैं। और इसके वायर की क्वालिटी की बात करें तो सेक्शन के ऊपर का जो मेन वायर है, ईयरफोन के दोनों अलग अलग वायर, ये बिल्कुल पतले पतले वायर हैं, तो ये इनकी क्वालिटी ज्यादा बेटर है या ज्यादा अच्छी है नहीं, ये कभी भी टूट सकते हैं। और सेक्शन के नीचे के वायर की बात करें तो इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है, और जो अपनी रस्सी आती है उस डिजाइन में बना हुआ है। और साथ में नीचे इसका जैकपोर्ड मिलता है, वो एल शेप में या 90 डिग्री एंगल पर मिलता है, जिससे कि इसको कहीं पर भी फोन में लगा के रखें या ऊपर नीचे वो भी टूटने के चांस नहीं रहते हैं। और इनकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें अपने को 10 mm का डायनेमिक ड्राइवर मिलता है, जो काफी बढ़िया है एक वाइड ईयरफोन के हिसाब से। और साउंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका साउंड इतना ज्यादा अच्छा है नहीं है, एकदम बिल्कुल लो बेस मिलता है और थोड़ा बहुत अच्छा साउंड मिलता है। तो अगर आपको बेस पसंद नहीं है और बिल्कुल लो बेस वाले ईयरफोन चाहिए तो ये आपके लिए परफेक्ट है। और इस ईयरफोन को अपनी लिस्ट में रखने का एक ही मकसद था दोस्तों, कि लिस्ट में एक ईयरफोन अपना मेड इन इंडिया होना चाहिए, बाकी इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है नहीं इनकी प्राइस के हिसाब से। और इनमें अपने को MEMS टेक्नोलॉजी का माइक्रोफोन मिलता है, जिससे अपन एकदम क्वालिटी या क्लियरिटी के साथ में बात कर सकते हैं। इसका माइक्रोफोन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, तो बात करने के हिसाब से ये काफी अच्छे हैं, लेकिन ये साउंड परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो इसकी प्राइस के हिसाब से ये ज्यादा परफॉर्मेंस की अच्छी है नहीं है, तो इसको साइड में रखते हैं। तो चौथे नंबर पर आता है MI का वाइड ईयरफोन। इसकी रेगुलर प्राइस की बात करें तो इसकी रेगुलर प्राइस 400 रुपए है और सेल पर ये अपने को 320 या 315 रुपए के आसपास में मिल जाता है। और इसके वायर की क्वालिटी की बात करें तो रबर मटेरियल से बना हुआ है, तो काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो इसका जो माइक्रोफोन है अपने को यहाँ बीच में नहीं मिलता है, और ये माइक्रोफोन का सेक्शन बिल्कुल अपने को ऊपर मिलता है, जिसके साथ में एक बटन आता है कॉल को उठाने और काटने के लिए। साथ ही साथ इसमें माइक्रोफोन भी आता है, तो जब अपन बात करते हैं इस ईयरफोन को मोबाइल में लगा के, तो ये माइक्रोफोन अपने मुंह के बिल्कुल पास में रहता है और अच्छी क्वालिटी के साथ में बात कर सकते हैं। अगर गाड़ी पे भी चल रहे हैं फिर भी अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि ये माइक्रोफोन है ये बिल्कुल अपने पास में रहता है। बाकी ईयरफोन माइक्रोफोन यहाँ आता है तो ये बिल्कुल नीचे चला जाता है, तो अपनी जो आवाज होती है वो आगे वाले को सुनाई नहीं देती है, तो ये काफी अच्छा है। और इसके जो बड्स है वो अपने को एल्यूमिनियम चेंबर के साथ मिलते हैं, तो इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है, अच्छे चलेंगे और इनका लुक भी बहुत ही अच्छा है, तो इनकी प्राइस के हिसाब से ये काफी अच्छा है। और इसकी ड्राइवर साइज की बात करें तो इसमें भी अपने को 10 mm का ड्राइवर मिलता है। और बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की, तो मीवी से तो काफी अच्छा साउंड मिलता है, एक अच्छा बेस मिलता है इसमें, काफी बढ़िया बेस मिलता है मीवी के अकॉर्डिंग, इसमें मीवी में बिल्कुल भी बेस नहीं मिलता है। तो ओवरऑल इसके म्यूजिक की बात करें तो काफी अच्छा है, लेकिन इसकी ऑल ओवर जो वॉल्यूम होती है वो बिल्कुल कम होती है, तो काफी ठीक ठाक है, इसकी प्राइस के हिसाब से ठीक ही है, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी इसकी है नहीं है और ज्यादा बेकार भी नहीं। मीवी से अच्छा है, लेकिन बाकी ईयरफोन से इसकी क्वालिटी थोड़ी कम है साउंड में, बाकी मेटल अच्छा है इसमें यूज किया हुआ है, तो काफी अच्छे ईयरफोन भी है। और तीसरे नंबर पर आते हैं इंफिनिटी 220 वाइड ईयरफोन, जो काफी धमाकेदार और काफी अच्छे ईयरफोन है। इनके लुक की बात करें तो रेड कलर में काफी अच्छे लग रहे हैं और काफी अच्छा लुक है इनका। और इसके बड्स के मटेरियल की बात करें तो ये प्लास्टिक मटेरियल से बने हुए हैं, तो इनके बड्स ठीक ठाक ही हैं। और इसके वायर की बात करें तो पूरा रबर मटेरियल से बना हुआ है, लेकिन ये सेक्शन के ऊपर का जो वायर है काफी अच्छी मटेरियल से बना हुआ है, और नीचे वाला भी काफी बढ़िया मटेरियल से बना हुआ है। और साथ ही साथ इसके जैक की बात करें तो 90 डिग्री का जैक मिलता है अपने को, जो काफी बढ़िया है। अगर अपन इसको मोबाइल में लगा देते हैं तो इधर उधर घूमे तो भी वायर के कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, काफी बढ़िया है। और इसमें भी अपने को 10 mm का ड्राइवर मिलता है, जो काफी बढ़िया है। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये अपने को 360 रुपए के आसपास में मिल जाते हैं ऑनलाइन शॉप करें तो। और इसका माइक्रोफोन भी काफी बढ़िया है, और साथ ही साथ इसके साउंड क्वालिटी की बात करें तो एक जबरदस्त बेस मिलता है, लेकिन ऑल ओवर इसकी वॉल्यूम भी थोड़ी कम मिलती है, जैसे अपने को रेडमी मिल रही है वैसी इसकी जो वॉल्यूम है वो फुल नहीं मिलती अपने को। बाकी म्यूजिक बहुत ही अच्छा मिलता है अपने को, अगर कम आवाज में गाने सुन रहे हो आप और अच्छा अपने को बेस चाहिए तो इन्फिनिटी 220 वाइड ईयरफोन बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनमें और बहुत ही अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है। साउंड बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी वॉल्यूम कम मिलती है, तो काफी बढ़िया है। और साथ ही साथ इसमें गूगल असिस्टेंट भी सपोर्ट करता है, तो ये एक अच्छी चीज है इसमें। और इसकी प्राइस है मात्र 360 रुपए, तो काफी बढ़िया है।
बोट के 242 वाइड ईयरफोन, बहुत ही जबरदस्त ईयरफोन है और इनकी लुकिंग भी बहुत ही गजब है और इसके ऊपर अपने को एक्स्ट्रा ग्रिप मिलती है, तो जब अपन इसको लगाते हैं ऐसे तो ये बहुत ही अच्छी ग्रिप मिल जाती है, यहाँ पर कानों में ये फंस जाते हैं, तो अपन रनिंग वनिंग करें या एक्सरसाइज करें जिम में तो ये कान से बाहर नहीं आते हैं और ये एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए बने हुए ईयरफोन है, काफी गजब है स्पोर्ट्स के हिसाब से, बहुत ही बढ़िया है, केवल और केवल स्पोर्ट्स के लिए बने हैं ये, तो काफी बढ़िया है। और इनके ड्राइवर साइज की बात करें तो इसमें भी अपने को 10 mm का ड्राइवर मिलता है, लेकिन इसका जो म्यूजिक है और साउंड है वो बहुत ही अच्छा मिलता है अपने को, एकदम ज्यादा बेस नहीं मिलता है और एकदम फंचिंग म्यूजिक मिलता है अपने को, इसकी जो आवाज है वो भी अच्छी मिलती है अपने को, बाकी ईयरफोन से आवाज इसकी बहुत ही अच्छी है। और इसके वायर क्वालिटी की बात करें तो इसका वायर बहुत ही अच्छा है सेक्शन के नीचे का, लेकिन इसका जो मेन सेक्शन है वो अपने को बीच में नहीं मिलता है, यहाँ पर सिर्फ इसको असेंबल करने के लिए चैम्बर दिया हुआ है, इसका जो मेन सेक्शन है वो अपने को ईयरफोन के साथ में अलग से मिलता है, जिसमें अपने को 3 बटन मिलते हैं, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और कॉल को रिसीव करने का या काटने का, साथ ही साथ इसमें अपने को एक माइक्रोफोन भी मिल जाता है, तो ये अपने को माइक्रोफोन बिल्कुल कान के पास में रहता है तो काफी अच्छी तरीके से बात भी कर सकते हैं अपन, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के साथ में बात हो जाती है किसी भी इसको यूज करते हैं। और इनके वायर की बात करें तो काफी लॉन्ग वायर मिलता है अपने को और फुली कंफर्टेबल ईयरफोन है। और इनकी प्राइस की बात करें तो वैसे तो इनकी कीमत 550 रुपए है, लेकिन सेल में अपने को 473 या 475 रुपए के आसपास मिल जाते हैं, तो काफी बढ़िया ईयरफोन ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हिसाब से, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अच्छी ग्रिप मिलती है और एक जबरदस्त लुकिंग के साथ में ईयरफोन आते हैं। और दोस्तों अभी तक जो भी ईयरफोन अपन ने देखे उसमें कोई भी वाटर रेसिस्टेंट या स्वीट प्रूफ नहीं है, लेकिन ये ईयरफोन अपने को IPX4 रेटेड के साथ में मिलते हैं, तो जिम में अपन कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत पसीना लगने पर या धूल मिट्टी लगने पर इसका कुछ भी परफॉर्मेंस पर असर नहीं पड़ने वाला है, तो काफी अच्छे ईयरफोन है, काफी अच्छी क्वालिटी के साथ में आते हैं और काफी अच्छी इनकी म्यूजिक परफॉर्मेंस है, ज्यादा बेस नहीं मिलता लेकिन एक जबरदस्त इसका म्यूजिक अपने को मिलता है। तो दोस्तों इतनी देर से जिसका इंतजार कर रहे थे तो अब उसका नंबर आ ही गया है, पहले नंबर पर आते हैं रियलमी के वाइड ईयरफोन जो काफी गजब ईयरफोन है। तो अभी तक जो ईयरफोन अपन ने देखे थे उन सब में अपने को मैग्नेटिक कंट्रोल या मैग्नेटिक लॉक सिस्टम अपने को नहीं मिला था, लेकिन इस ईयरफोन में अपने को मैग्नेटिक लॉक सिस्टम मिलता है, रियलमी के जो अपन निक बैंड मिलते हैं अपने को उसमें भी अपने को मैग्नेटिक लॉक सिस्टम मिलता है, सेम उसके जैसे ही अपने को इसमें जो ईयरबड है उसका डिजाइन अपने को देखने को मिलता है। और इसके वायर क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वायर मिलता है और काफी लॉन्ग वायर मिलता है अपने को और फुली कंफर्टेबल ईयरफोन अपने को मिलते हैं। और इसके सेक्शन की बात करें तो इसका सेक्शन अपने को अलग से मिलता है, बीच में नहीं मिलता है, जिससे कि अपन बात करते हैं तो अपनी आवाज अगले वालों को काफी अच्छी जाती है क्योंकि ये बिल्कुल पास में रहता है और काफी अच्छी क्वालिटी का इसमें अपने को माइक्रोफोन भी मिलता है। और इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस अपने को 600 रुपए मिलेगी फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर, लेकिन इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर अपन चेक करेंगे तो ये अपने को 500 रुपए में मिल जाएंगे और 1 ईयर की वारंटी इसके साथ में आएगी। साथ ही साथ इसमें मिलता है अपने को केबल ऑर्गेनाइजर जिससे अपन इस केबल को लगा सकते हैं और अच्छा रखते हैं। और इसके साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें अपने को 11 mm का डायनेमिक ड्राइवर मिलता है और बहुत ही गजब इसका साउंड अपने को मिलता है, काफी फंचिंग म्यूजिक मिलता है और एक अच्छा बेस अपने को मिलता है और एक अच्छी वॉल्यूम के साथ में ईयरफोन आते हैं, तो इनकी क्वालिटी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ इसका जो जैक है वो 3.5 mm का, उसमें अपने को एल शेप या 90 डिग्री का नहीं मिलता है जिससे कि ये वायर टूटने उठने के चांसेस रहते हैं, बाकी ये ईयरफोन जबरदस्त हैं और इसीलिए पहले नंबर पे हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी परफॉर्मेंस और बहुत सारे फीचर्स अपने को मिलते हैं और मात्र 500 रुपए मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 ईयरफोन अंडर 500 रुपए में जो कि वाइड ईयरफोन थे। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।